बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीन का पहाड़ा। ठीक है, तो तीन के पहाड़े को देखो कितने आसान तरीके से लिखेंगे हम। देखें, चलो तो यानी क्या, टेबल ऑफ थ्री, तीन का पहाड़ा। तो सबसे पहले क्या करना हमें, दो खड़ी लाइनें खींचेंगे और दो पड़ी लाइनें खींचेंगे। ठीक है, मतलब दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, खींचे। चलो, दो हमने खड़े डंडे खींच दिए और दो पड़े डंडे खींच दिए। ठीक है, दो खड़े डंडे, दो पड़े डंडे। अब क्या करना है इसमें, एक यहाँ पे सर कुछ भी बना लो, सर्कल बना लो, ठीक है, या रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स बना लो। दो खड़े डंडे, दो पड़े डंडे और एक बॉक्स बन गया। आगे चले। अब तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, अब हमें एक से लेकर नौ तक गिनतियाँ लिखनी हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ध्यान रखना। ठीक, कहाँ से, यहाँ से। तो सबसे पहले लिख दीजिए वन, ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर लिखेंगे टू, फिर थ्री। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फोर, फाइव, सिक्स, फिर यहाँ लिखेंगे सेवन, एट, नाइन। अब हमने वन से स्टार्ट किया था ना, जीरो तो हमने छोड़ दिया, जीरो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब क्या करना है देखो, अब हमें इस तरीके से लिखना, अभी तो हमने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखा। ठीक है, अब हमें लिखना लेफ्ट टू राइट, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। तो क्या करना, इस वाली रो में तो हम लिखेंगे जीरो जीरो जीरो, इस वाली रो में लिखेंगे, ठीक है, वन वन वन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वाले में क्या लिखेंगे, जीरो जीरो जीरो। अगली वाली में लिखते हैं वन वन वन, और इससे अगली वाली में ऐसे टू लिख दीजिए आप। ठीक है, जीरो वन टू, जीरो वन टू, जीरो वन टू। समझ में आया, कहने का मतलब ये कि या तो ऐसे जीरो जीरो लिख दीजिए, फिर वन वन वन, फिर टू टू टू, या ऊपर से बात करें जीरो वन टू, जीरो वन टू, जीरो वन टू, ऊपर से नीचे लिख दीजिए या लेफ्ट टू राइट लिख दीजिए, दोनों तरीका। ठीक है, पता चल गया तुम्हें। और यहाँ क्या लिखना है देखो, जीरो वन टू, टू के बाद क्या आता, थ्री। और अब हमारा तीन का टेबल हो गया तैयार। देख लीजिए, तीन दूनी छः, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पंच पंद्रह, तीन छः अठारह, तीन सत्तर इक्कीस, तीन अट्ठे चौबीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन ढाई तीन। आया हूँ चार का पहाड़ा, एक क्रिएटिव तरीके से लिखने का। ठीक है, ऐसे ही करेंगे जैसे पहले तीन का पहाड़ा लिखा था। ठीक है, रटना नहीं है, रटना भूल जाओ, सिर्फ समझना है, लिखना है। ठीक है, चलो इसमें क्या बनाना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें एक प्लस बनाना, एक सर्कल बनाना, प्लस बनाना, सर्कल बनाना। कहने का मतलब है कि एक जोड़ का चिन्ह बना दीजिए, ठीक है, एक गोला बना दीजिए, एक जोड़ का चिन्ह बना दीजिए, एक गोला बना दीजिए। ठीक है, क्या, जोड़ गोला, जोड़ गोला, प्लस सर्कल, प्लस सर्कल। अब क्या करना है, हम चार का पहाड़ा लिख रहे हैं, किसका, चार का टेबल। ठीक है, फोर का टेबल लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें इवन नंबर लिखने, सम संख्या, दो चार छः आठ, क्या लिखनी है, बस ध्यान ध्यान रखना, दो चार छः आठ सम संख्याएं लिखनी है इसमें। ठीक है, सम का मतलब ये होता है कि दो का पहाड़ा लिखना चार तक, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सम संख्या को छोड़ो, इवन नंबर्स को छोड़ो, हमें क्या करना कि दो का पहाड़ा लिखेंगे चौका तक। ठीक है, तो देखते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, बस इतना लिखना। नीचे वाले जमा के चिन्ह में भी दो का पहाड़ा लिख दो चार तक। ठीक है, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, चौका तक लिख दिया ना, दो चौक आठ चौक। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने गोला बनाया इसमें छोटा गोला बना दीजिए, यानी जीरो बना दीजिए। समझ गए, अब वही तरीका अपना दीजिए, सबसे पहली वाली रो में जीरो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अगली वाली रो में क्या है, वन वन लगा देते हैं, वन के बाद क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पे टू लगा दीजिए। ठीक है, और इसमें देखो जीरो वन, यहाँ भी टू लगेगा, यहाँ भी टू लगेगा। अगली वाली रो में थ्री लगा दीजिए और इस सर्कल में फोर लगा दीजिए, है ना, जीरो वन टू थ्री।
इसमें जीरो लगाएंगे, इसमें वन लगाएंगे, इसमें टू लगाएंगे, इसमें थ्री लगाएंगे, और ठीक है सर्कल में एक एक एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी यहाँ वन लगाते हैं टू लगा देंगे, जो यहाँ लगेगा वही इस लाइन में लगेगा, ठीक है, और जो यहाँ लगा थ्री, ठीक है, इस वाली रो में उससे नेक्स्ट लगेगा यहाँ पे, समझ में आ गया। तो देखो चार एक हम चार, चार दुनिया चार ते बारह, चार चौक सोलह, चार पंच बीस, चार छः चौबीस, चार सत्तर अठारह, चार अठे बत्तीस, चार नौ छत्तीस, चार दशम चालीस। इसकी के साथ चार का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तक क्या है छः का पहाड़ा, ठीक है, अच्छे से तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभी हमें दो का चार का पहाड़ा देख लिया, पाँच का तुम पे आता ही है, छः का पहाड़ा लिखेंगे क्रिएटिव तरीके से, गतिविधि के द्वारा ना, खेल खेल में, मजे मजे में, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे हमने तीन का पहाड़ा लिखा था उसी तरीके से, ठीक है, वही वाला साइन बनाना, ठीक है, यानी दो खड़ी लाइन दो पड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन दो पड़ी लाइन। तो सबसे पहले दो खड़ी लाइन बना लीजिए और दो पड़ी लाइन बना लीजिए, ठीक है, और एक बॉक्स बना दीजिए। अब ये तो तीन के पहाड़े में क्या था ना, अब हमें छः का पहाड़ा लिखना है, तो तीन का दुगना होता है छः, तो ऐसे ही एक बार और खड़ी और पड़ी लाइनें बना लीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए। दिख गया बॉक्स, दिख रहा, चलो ठीक है। अब क्या करना है, वही काम करना है जो हमने तीन के पहाड़े में किया था। तो एक से नौ तक गिनती लिखनी है नीचे से ऊपर की तरफ, देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ओके। नीचे वाले में भी ऐसे लिख दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तक लिख दिया। यहाँ जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी जीरो लगा दीजिए, ये तो बॉक्स होते हैं जीरो के लिए ही होते हैं, ये मान के चलो। अब क्या करना है, अब ध्यान देना है तुम्हें, ये क्या जो ट्रिक है इसमें, जैसे हमने तीन का किया था, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ पर जीरो जीरो लगा दीजिए, ओके। अगले वाले में क्या लगे, वन 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 वन, फिर लगाएंगे टू टू टू, यानी पहली वाली रो में क्या लगाएंगे, वन, दूसरी वाली रो में क्या लगाएंगे, टू, इस वाली सॉरी पहली वाली में जीरो लग जाएगी, ठीक है, फिर वन, फिर क्या लगाएंगे, टू, इससे नेक्स्ट में क्या लगाएंगे, थ्री, ठीक है, थ्री लगेगा इसमें, टू के बाद थ्री आता है, ठीक है, जो यहाँ लगेगा वो ही यहाँ लगेगा, थ्री लगाओ, थ्री थ्री थ्री, इस वाली रो में लगाओ फोर 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 फोर, इस वाले रो में लगाएंगे फाइव 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 फाइव, और नेक्स्ट सिक्स, ठीक है, जीरो एक दो, इसमें तीन लगाएंगे, इसमें चार, इसमें पाँच पाँच लिखते जाएंगे, इसमें छः लिखेंगे, क्लियर। अब ये छः का पहाड़ा तैयार हो गया, बस अब इसमें ढूंढना है किस तरीके से ढूंढेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसको लेंगे मिडिल वाले को, सर्किल कर दीजिए, ठीक है, गोला बना दीजिए, एक बार हमें बीच का लेना है, एक बार बीच वाले को छोड़कर कॉर्नर वाले लेने, साइड वाले, समझ में आ गया, एक बार बीच वाला लेंगे और एक बार बीच वाले को छोड़ के साइड वाले लेंगे। तो बीच वाला ले लिया, अब इस बीच वाले को छोड़ के साइड वाले को ले लीजिए, ठीक है। अब ये बीच वाला यहाँ छोड़ा था, यहाँ बीच वाला ले लीजिए, अब साइड वालों को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये तो गोला हो ही रहा है तो ये तो हमें लेना ही है। अब यहाँ से फिर आ जाइए, ठीक है, अब फिर जैसे हमने बीच वाला लिया था, इसमें फिर से बीच वाला ले लेंगे, इसमें बीच वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, तो इन वालों को ले लेंगे, साइड वालों को, फिर बीच वालों को ले लेंगे। देख लीजिए छः का टेबल बनना, छः एकम छः, छः दुनी बारह, छः तिया अठारह, छः चौक चौबीस, छः पंजे तीस, छः छंग छत्तीस, छः सत्ते बयालीस, छः अट्ठे अड़तालीस, छः निम चौवन, और छः दशम या छः दहाई साठ, हो गया छः का पहाड़ा। एक बार मिडिल पार्ट लेना, एक बार मिडिल को छोड़ के साइड वाले ले लेने, एक बार मिडिल ले लेना, एक बार मिडिल को छोड़ के साइड वाले ले लेने, मिडिल साइड वाले मिडिल साइड वाले, इस तरीके छः का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बच्चों को शेयर कर देना दूसरे बच्चों को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, धन्यवाद।